हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी पुष्पा किचन में स्वागत है। आज हम निमकी बनाएंगे जो खस्ता रहेगी, एकदम मार्केट जैसी, मार्केट से भी बेहतर मैं बनाऊंगी। आप लोग भी उस तरह से बनाइएगा तो आप लोग को भी मार्केट को भूल जाइएगा खाना। आप बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह से मैं बनाऊंगी। और चलिए आज मैं बनाती हूँ मैदा से खस्ता निमकी, जो काफ़ी आप लोगों को पसंद आएगी। चाय के साथ तो निमकी बहुत अच्छा लगती है। अब बरसात के मौसम में है, निमकी ही खाइए, चाय रस पीजिए, बहुत इंजॉय कीजिए। चलिए आज मैं निमकी बनाती हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखिए, खस्ता निमकी बनाने के लिए हम 250 ग्राम मैदा लिए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले अजवाइन, डेढ़ चम्मच लिए हैं, इसको क्रश करके ही डालनी चाहिए। फिर फ्लेवर के लिए 1 चम्मच मैं मंगरेला डाल दूंगी। बेकिंग पाउडर मैं 2 चम्मच डालूंगी। देखिए, इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। जो हमारी खस्ता बनाने के लिए हम 5-6 चम्मच, 3 चम्मच डालें। छः 7 चम्मच हम डाल दिए हैं। इसको इस तरह से हम मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे, जो काफ़ी खस्ता निमकी बनेगी। देखिए, इससे अच्छे से हम मोम करेंगे कि जितने हम मोम करेंगे उतने ही खस्ता हमारी निमकी होगी। और गुनगुना ही हम वाइल डाले हैं, गुनगुना डालने से ज़्यादा खस्ता होती है। इस तरह से मोम करते रहना है, मिक्स जितने हम करेंगे। देखिए, इस तरह से लड्डू टाइपा हो जाती है। थोड़ी सी और मैं करूँगी। इसको एकदम कड़ा ही सानेंगे। देखिए, मोम अच्छी से हो गई है। इस तरह से हो गई तो आप सोचिए कि हमारी मोम तैयार हो गई है मैदा। अब इसमें हम पानी डाल करके, हल्का हल्का पानी दे करके कड़ाई ही सानेंगे, ज़्यादा पानी डाल करके नहीं सानेंगे। एकदम कड़ा रहेगी तब खस्ता निमकी होगी। ये मैदा हम सान लिए हैं, इतने ही कड़ा होनी चाहिए। एकदम कड़ा रहेगा तब हमारी निमकी खस्ता बनेगी। इसी तरह से कड़ा ही सनना होगा। और चलिए, अब इससे सेट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ढक करके छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम बनाएंगे। देखिए, मैदा अच्छी सेट हो गई है, अब हम बनाएंगे। इधर तेल भी हमारी गर्म हो रही है, पैन बैठा दिए हैं तेल गर्म होने के लिए। तब तक हम इधर अपना बना लेंगे। इस तरह से बेलनी हमको। देखिए, इतने ही मोटा हम बेलेंगे, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। चलिए, इसको यहां से हम काट लेंगे। इस तरह से हम कर लेंगे।
अब यहाँ से इस तरह से हम काटेंगे। इतने ही चौड़ा हम बनाएंगे। इस तरह से सब हम अपना काट लेंगे। देखिए हम सब बना लिए हैं, हमारी ऑयल गर्म हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे, तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, डाल करके फिर हम सीलिंग कर देंगे। ज्यादा आंच पर हमको नहीं पकानी है। अब इसको गैस हम सीलिंग पर कर देंगे। देखिए इसे सीलिंग आंच पर ही हम पका रहे हैं, एक तरफ से पक जाएगी तब फिर हम पलट लेंगे। देखिए कितनी अच्छी खिल रही है, ऊपर में आने लगी है, तो सोचिए बहुत खस्ता हमारी नीमकी बनी है। देख सकते हैं हल्का ब्राउन भी हो गई है। अभी और लाल करेंगे तब मैं इसे पलटूंगी। बहुत खस्ता नीमकी बनी है, देखिए कैसे सब ऊपर में आने लगी है। इसी तरह से हम सब पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए नीमकी अच्छी से पक गई है, तब से हम इसे पलट लेंगे। और सीलिंग आंच पर ही पकाइएगा, जैसे कि सीलिंग आंच पर पकाने से हमारी अंदर तक पक जाएगी, और ज़्यादा तेज हाई पर कीजिएगा तो अंदर से पकेगी नहीं, ऊपर लाल हो जाएगी, अंदर में कच्चा रहेगी। इसलिए सीलिंग आंच पर ही आप धीमे धीमे आज पर इसी तरह से पकाइएगा, आपको बहुत खस्ता नीमकी होगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाल हो गई है, तेल से हमारी ऊपर में आ गई है, बहुत अच्छा खस्ता बनी है, सब तेल सूप पर आ गई है। अब इसी तरह से हम उलट पलट करके अपना पका लेंगे। देखिए 10 से 15 मिनट हो गई है, बहुत अच्छी पकी हुई है, देख सकते हैं बहुत अच्छी पकी है, बहुत खस्ता भी बनी है। और इसी तरह से धीमी आंच पर ही हम सब पकाएंगे। वाओ बहुत अच्छी पकी है। इसी तरह से अब सब पका लेंगे। इसी तरह से हिला हिला करके हल्का हल्का इसी तरह से हिलाना पड़ता है। देखिए सब बना चुके हैं, नीमकी बहुत खस्ता बनी है। चलिए अब चाय के साथ गर्मा ही गर्म सब करते हैं। देखिए खस्ता नीमकी हम बना चुके हैं, बहुत टेस्टी बनी है और बहुत खस्ता बनी है, देख सकते हैं बहुत खस्ता बनी है, बहुत खस्ता बनी। आप इस तरह से देखिए खा करके मैं दिखा रही हूँ।
बहुत खस्ता है, चाय भी बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा बनाया है। पूरा टाइम चाय का साथ निमकी खाइए, वो एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत खस्ता बना है, निमकी इसी तरह से फॉलो कीजिएगा, जिस तरह से मैं बनाई हूँ उसी तरह से बनाइएगा। आपको वीडियो पसंद आएगा तो जोड़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।